टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने ना जाने कितने ही मौकों पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारत को बड़ी बड़ी जीत दिलाई है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के दौरे पर दूसरे टेस्ट मैच के दौरान गेंद की जगह बल्ले से बड़ा कमाल कर दिखाया है और मुकाबले में अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। इसके अलावा बुमराह ने बल्ले से दुनिया के नामी तेज गेंदबाजों में शुमार कगिसो रबाडा के ओवर में एक ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग कर डाली है जिसे देखकर एक प्रॉपर बल्लेबाज भी दो बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो आखिर कैसे बुमराह ने किया रबाडा का कबाड़ा और खेल दिए एक रिकॉर्ड तोड़ पर, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग के वैंडरर्स स्टेडियम में खेला गया, जहां पहले दिन भारतीय टीम को शुरुआत में बड़ा ही झटका लगा जब विराट कोहली चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए। उनकी जगह हनुमा विहारी को टीम में जगह मिली। विराट कोहली की जगह राहुल ने कप्तानी का जिम्मा संभाला, वहीं बुमराह को उप कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी मिली। लेकिन जैसे ही टॉस जीत कर केएल राहुल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, भारत के लिए सिर्फ चीजें खराब ही होती गई। टीम का टॉप ऑर्डर 50 रनों के भीतर धराशाही हो गया। मयंक राहुल की जोड़ी 36 रन पर टूट गई, जहां मयंक ने 37 गेंदों में 5 चौके की बदौलत ताबड़तोड़ 26 रन तो बनाए लेकिन बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। वहीं टीम के तो सबसे अनुभवी बल्लेबाज रहाणे और पुजारा तो मयंक से भी एकदम आगे निकल गए। दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ 2 गेंद के अंदर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। जहां पुजारा ने 3 रन बनाए तो वहीं रहाणे का खाता भी नहीं खुला। सिर्फ टॉप ऑर्डर में कप्तान राहुल और लोअर ऑर्डर में अश्विन के बल्ले से शानदार पारी देखने को मिली। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने अंत में एक अविश्वसनीय पारी खेलकर किसी तरह भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है। आपको बता दें, इस मुकाबले में कप्तान राहुल ने 133 गेंदों में 9 चौके की बदौलत सर्वाधिक 50 रनों का योगदान दिया। वहीं विराट की जगह खेल रहे विहारी भी 9 रनों पर मिले एक जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके और 20 रन बनाकर विहारी भी पवेलियन की राह चल दिए। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर भी बल्ले से कंट्रीब्यूट करने में नाकाम रहे और वहीं विकेटकीपर ऋषभ पंत का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा। पंत 43 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हुए। 157 रनों पर 7 खिलाड़ियों को गंवाकर भारतीय पारी संघर्ष कर रही थी और यहां से 200 रन के आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। लेकिन पहले अश्विन ने 50 गेंदों में 6 चौके जड़कर ताबड़तोड़ 46 रनों की पारी खेल दी, लेकिन फिर अश्विन भी आउट हो गए और फिर 187 रन पर टीम को नवा झटका लग गया। तब ऐसे लगा जैसे टीम इंडिया की पारी 200 के अंदर ही सिमट जाएगी। लेकिन 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह तो कुछ और ही ठान कर आए थे। बुमराह ने एक ही ओवर में पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। दरअसल भारतीय पारी के 62वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने विरोधी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज कगिसो रबाडा को रिमांड पर लिया और एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाए। वहीं एक गेंद पर शानदार हुक शॉट लगाकर बुमराह ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर ही फेंक दिया। जहां भारत के लिए 200 रन बनाने मुश्किल हो रहे थे, बुमराह ने एक ही ओवर में 14 रन ठोक कर न केवल कगिसो रबाडा और साउथ अफ्रीका की टीम को हैरान कर दिया बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में मौजूद हेड कोच राहुल द्रविड़ और खुद बुमराह भी अपने इस लाजवाब शॉट को देख कर हैरान रह गए। हालांकि इससे पहले बुमराह को कुछ और आक्रामक शॉट लगाने का मौका मिलता, दूसरे छोर पर खड़े मोहम्मद सिराज आखिरी विकेट के रूप में आउट हो गए और जसप्रीत बुमराह 14 रन बनाकर एक छोर पर खड़े रह गए। हालांकि उन्होंने अपनी पारी से मुकाबले को मोमेंटम भारत की ओर मोड़ दिया था। टीम इंडिया ने पहली पारी 202 रनों पर समाप्त की और बुमराह के दिलाए मोमेंटम का फायदा उठाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी जबरदस्त शुरुआत की। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मार्करम को सिर्फ 7 रनों पर पवेलियन भेजकर वापसी का बिगुल फूंक दिया और दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की पारी को भारतीय गेंदबाजों ने बांधे रखा है। पहले दिन साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 1 विकेट खोकर 35 रन बना लिए हैं और अब दूसरे दिन बल्ले के बाद जसप्रीत बुमराह गेंद से भी अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आप जसप्रीत बुमराह की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।